मन्नत तेरी, और टाइम पे पहले मैं पहुंच गया हूं। डस्की नहीं, सांझ, और लाइफ में पहली बार टाइम पर आया। चल ना, अब टाइम वेस्ट मत कर, चल। ना 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 ना, ऐसे नहीं जाऊंगा जनता की तरफ। तो जुगाड़ में भी जुगाड़, सेटिंग है मेरी। भगवान से मन्नत मांगने के लिए भी जुगाड़, सेटिंग? तू पागल हो गया? तू भी तो सेटिंग कर रही है, भगवान को मक्खन लगा रही है, उनसे जुगाड़ कर रही है। अब जब सारे ही काम टेढ़े हैं तो एक और सही। ये जो मन्नत है ना, वो मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, ओके? ये जो जुगाड़ है ना, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ओके? स्माइल क्या दे रही है? चलो थोड़ी भक्ति करें। We go.
हे भगवान, ये जो भी मांग रही है ना, इसे दे देना। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ना सब अपनी अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं। सबको लगता है कि इनके पास आओ, हाथ जोड़ो और वो उनकी नैया पार लगा देंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि नैया पार हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ मोड़ने से लगती है। चप्पू तो खुद चलाना पड़ता है ना। ये देख, इसे कहते हैं लॉटरी जीतना। लॉटरी लाइफ की, बाप के पैसे पे अय्याशी करना बिना किसी मेहनत के। तुझे कैसे पता कि बाप के पैसे? इसकी शक्ल पे लिखा है, मेहनत करना मना है। अर्जुन वो देख, तेरे को पता है डस्की, यहां पर ना सिर्फ दो किस्म के लोग आते हैं। पहले वो जिनकी लाइफ में बैंड बज चुका होता है, और दूसरे वो जो दूसरों का बैंड बजाकर यहाँ पर आकर रोने का नाटक करते हैं। तो तुझे क्या लगता है ये किस टाइप की होगी? जो होता है वो लगता है, और जो लगता है वो होता नहीं। चल छोड़ ना, जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो गया ना। बापा के चरणों में प्रसाद अपने आप चला गया। तू खुश? बहुत ज्यादा। अब चलें? चलो। मांगा अपने भगवान से? अपने भगवान जी से बस यही मांगा है कि कल जो तेरा इंटरव्यू है ना, उसमें तुझे जॉब मिल जाए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा हो जाए कि 6 महीनों तक तो उस जॉब पे टिका रहे। अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं जाऊंगी सिद्धिविनायक नंगे पैर चल के, आई प्रॉमिस। और मैं अगले 6 महीने तक तेरा सिद्धिविनायक जाने का जुगाड़ करता रहूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। तुम्हें काम क्यों नहीं करने था? इसको बेच के ना साइकिल खरीद ले। स्टार्ट हो जाए धन्नो। कैसी है सांज? वो देख, क्या मस्त गाड़ी है ना। नहीं बस ठीक ही है, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही है।
ए हेलो, शादी नहीं करनी है, चलानी है, दुनिया को दिखाना है कि कोई कामयाब आदमी आ रहा है। मुझे दुनिया को कुछ दिखाने का कोई शौक नहीं है। मीठी सी चाय, रस्ते की पाव भाजी और घर में अपनों का गर्मा गर्म प्यार, बस इतना सा ख्वाब है। मीठी सी चाय, महंगे कप में पाव भाजी किसी फाइव स्टार होटल में, और अपनों का गर्मा गर्म प्यार किसी सी फेसिंग सेंट्रली एयर कंडीशन पेंट हाउस में, बस इतना सा ख्वाब है। और एक और, देखना रस्की, ये समुंदर, ये सड़कें, यहाँ के लोग सब कोई मुझे सलाम करेंगे। जिस भी चीज पर मैं हाथ रखूंगा ना, वो मेरी होगी, मेरी, सिर्फ मेरी। ऊपर आओगी? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना, ऊपर आओ। आराम से, आराम से, आराम से। देख डस्की, वो देख, वो घर एक दिन मेरा होगा। बस इतना सा ख्वाब है? तुम्हारे सपने तो बहुत ही छोटे हैं। अरे पगली, जब बड़े सपने देखोगी नहीं तो पूरे कैसे करोगी? तुम्हारे तो बस यही सपने हैं, आलू पराठे, मूली पराठे और गोभी पराठे, बस। एक मिनट, By the way, बहुत लोगों के सपने होते हैं, आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली का पराठा, ओके? और वो देख, बहुत लोगों के सपने ऐसे होते हैं जो उन्हें रात भर सोने नहीं देते। अरे पगली, जगाए नहीं, वो सपने बहुत छोटे होते हैं। और मुझे जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी चाहिए, समझी? कहां से आया? पता नहीं, बच गया यार। अरे गाड़ी साफ करने के काम में आएगा। माया, माया, माया। यस मां। कौन सा वाला अच्छा है, ये वाला या ये वाला? आई थिंक ये वाला, ये वाला उनका फेवरेट भी है। वो आएंगे ना, आखिर हमारी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है ना, वो आएंगे। उन्होंने ना मुझे प्रॉमिस किया है 12 बजे से पहले वो जरूर आ जाएंगे। मैंने उनकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, हम सब साथ मिलके खाएंगे। हाँ माया, वो आएंगे ना?
खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। वो आएंगे। बेटी के हाथ में घर की इज्जत की डोर होती है। संस्कारों की लकीर जब एक बार पार हो जाती है ना, तो वापस आना नामुमकिन है सांच। कल से तुम्हारा जाना बंद। बाहर या बाथरूम? क्या माँ बीना, ये माता जी का जो संस्कारी डायलॉग है वो तो ठीक से बोला करो। कुछ भी बोल रही हो आप, और एक्टिंग कितनी कितनी गंदी की आपने। मैं नहीं कर पाई सुमन, तुमसे ना हो पाएगा एक्टिंग, ठीक है? नो सांच, बप्पा के दर्शन के लिए क्या कैलाश पर्वत गई थी? बेटा इतना टाइम। माँ पापा टाइम तो लगता है ना। देखो पापा के दर्शन किए, फिर मैंने मन्नत मांगी, फिर हमने पाव भाजी खाई, चाय पी, बहुत सारा घूमे, और अब निनी टाइम। बाय। सो जा बेटा। अरे बॉस, 24 घंटे में से 30 घंटे उसके साथ गुजारती, तो शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? अरे कम से कम हमें हमारा बेडरूम मिल जाएगा। फिर प्रेम और सुमन। अरे यार ये हमारा बेडरूम है। सांच तू कहे तो मैं वंदना जी से बात करूं? देख अर्जुन को तो बचपन से जानती है, बॉयफ्रेंड होने में कोई गलती थोड़ी ना है। देख हम दोनों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ हाँ बेस्ट फ्रेंड है, जिससे हमारी सांग लव करती है। लव यू करती है तो बोलती क्यों नहीं? प्रॉब्लम है तो मैं बात करूँ उससे। ये देख, कम ऑन। अर्जुन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, विल यू मैरी मी? वो क्या ना अंकल, आप मेरे टाइप के नहीं हो। रिजेक्ट, सो जाओ जाके। चलो जी। अरे इधर दो, यहाँ कोई नहीं आएगा, बोल देता। अरे थोड़ी सी जगह दो सांच। बहुत जगह है। अब आ रहे हो तुम? कितने बजे हैं? 3। मैं वेट कर रही थी। मेरे पास चाबी है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। आयान के एग्जाम्स हैं, वो सवेरे जल्दी उठकर पढ़ाई करने वाला है। तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे यही उम्मीद करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आयन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज रात मेरा यही बेड है, खुश? तुम मेरी हर बात को हेलो टर्नचोर, आज मेरी टर्न है मम्मा पापा के बीच में सोने की। टर्न का क्या है शुभपुत्र, जब मिले तब ले लो। और अगर तू पॉटी करने जाएगा तो टर्न तो कोई और ही ले लेगा ना। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तू और तेरा वो बॉयफ्रेंड। ए गोलू, बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा। हाँ हाँ बेस्ट फ्रेंड है। सो जाओ। गुड, चलो सो जाओ अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ
ना लो। भाई दरवाजा खोल ला। अरे हूँ क्या यार, जल्दी कर, मॉम ने देख लिया तो मेरी वाट लगा देगी। क्या तू बाहर है? कहाँ से आ रहा है तू? तू बाहर से कहाँ से आ रहा है? पार्टी। 4 बजे चश्मे को अंदर। मम्मी जाग जाएगी। हाँ मम्मी जाग जाएगी तेरी वजह से। भाई, अरे भाई बाहर सो रहा हूँ। और तेरी माँ ने, हमारी माँ, चाहे जितना मर्जी लड़ लो ये फैक्ट है। ओके भाई, अब बाहर क्यों खड़े हो? यही खड़े होके सो गए क्या? चलो उन्होंने ना मुझे प्रॉमिस किया है 12 बजे से पहले वो जरूर आ जाएंगे। मैंने उनकी फेवरेट डिशेस बनाई, हम सब साथ मिलके खाएंगे। हाँ माया, वो आएंगे ना? भाई तेरी हीरोइन आ गई है। अरे हूँ क्या यार, हॉर्न बजाई जा रही है। हीरोइन नहीं, मेरी दोस्त है। दफर 4 अलार्म लगाए, 20 फोन कर दिए मैंने, तू अब तक सो रहा है? आधी रात को उल्लू ही जागता है। दफर आधी रात नहीं, 9:40 हो चुके हैं और 10 बजे का तेरा इंटरव्यू है, प्लीज जल्दी कर यार। ओ फिश, तूने तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाँ अरे बोला तो उठाया क्यों नहीं मुझे? क्यों बार बार अपने आप को दर्द देती हो? वो कभी नहीं आएंगे। वो आएंगे, वो अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। नहीं माया, तुम उन्हें ना कभी अच्छी तरह समझ ही नहीं पाई। देखो देखो, 25 साल पहले अश्विन ने ना ये अपने प्यार की निशानी मुझे पहनाई थी और कहा था जिस दिन हमारा रिश्ता टूट जाएगा ना इसे उतार देना, पर मैंने उम्मीद बांधी हुई है। जब तक ये रिंग मेरे हाथ में है ना, मैं उन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। माया,
just stop? Maya? Maya, stop. Maya, stop it. Stop it, Maya. के लिए लेट हो रही हूं माया। मां, प्यार उसी से करो जिसे कंट्रोल कर सको। जब प्यार आपको कंट्रोल करने लगे तो उसे बर्बाद कर दो। पड़ जाएगी, पका मत। देखा, यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं जब भी कोई अदर वाली बात करती हूँ ना, तुझे पकने लगता है। क्या करूँ, तू हमेशा पकाने वाली ही बात करती है। जिस दिन मैंने पकाना बंद कर दिया ना, तब तुझे मालूम पड़ेगा। अरे मेरी ऐसी किस्मत का कि मुझे तुझ जैसी कोई और पकाने वाली मिल जाए। सांझ बाय। ये पार्किंग रिजर्व्ड है। करेक्ट, मेरे लिए। अरे बॉस के आने का टाइम हो गया। तू आने दे यार, इट्स अ फ्री कंट्री बॉस। नहीं देखिए बॉस, लोगों का जगह है ये। कहाँ लिखा है, किधर लिखा है? देखिए आप इस तरह मुझे परेशान करेंगे ना तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। समझ गया, एक काम कर, तू गाड़ी पार्किंग कर दे, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके। अरे 100 के नोट से गाड़ी थोड़ा नहीं चलेगी। क्रिकेट खेलती हो? अरे अरे ये क्या? ये पार्किंग इनके किसी बॉस की है। ये अंकल 100 रुपए में सेटिंग कर देते हैं। आप बोलो तो आपकी सेटिंग कराऊं? अंकल मदद करो ना इनकी, बेचारी कितनी परेशान है। वैसे मैं आपकी मदद कर देता लेकिन क्या है ना, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सो आई गॉट टू गो।
तुम्हारे 100 रुपए बचा किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.